नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव जो है बिल्कुल करीब आ चुका है। तमाम पार्टियां पूरी तरह से अपने जोर शोर से लग चुका है, चुनावी तैयारी में लग चुका है। और मैं इस वक्त समस्तीपुर जिले के जो उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र है 134 उस क्षेत्र में हूँ, और हम वहाँ के जनता से राय जानेंगे कि उनका इस बार क्या मन है, क्या मन बना है, किधर वोट करेंगे किधर नहीं करेंगे। तो आइए हम यहाँ के जो जनता हैं उनसे हम बात करते हैं और उनका राय जानते हैं। तो देख रहे हैं कि ये लोग हैं जो ये उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के ही हैं, तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी जोर से बोलिए। विजय कुमार महतो। अच्छा, विजय कुमार महतो जी। विजय कुमार जी, अब चुनाव नज़दीक आ रहा है और चुनाव नज़दीक आ रहा है तो आपके यहाँ अब बहुत सारे नेता भी आएंगे वोट मांगने के लिए कि वोट हमें दीजिए हमें दीजिए। आपको क्या लग रहा है, अभी जो आपने जो देखा नीतीश सरकार वो अभी काम किया है या नहीं किया है, या लालू, इससे पहले भी लालू का सरकार था, फिलहाल में अभी आप वोट किसको कीजिएगा? बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को वोट कीजिएगा, किस आधार को? बहुत चीज किए हैं बीजेपी, बीजेपी वाले बहुत किया। हाँ। क्या क्या किया? बहुत कुछ किए हैं, रोड घाट बनाए हैं। अच्छा, रोड बीजेपी बनाए। हाँ। अच्छा, नीतीश जी? नीतीश जी बना बीजेपी तो दूसरा हो गया। नीतीश जी जो है, हाँ तो मिल गए उसमें ना। अच्छा, नीतीश जी या मोदी जी एक ही सीट का पल्लू है। हाँ। अच्छा, आप लोग को गुमराह कर रहे हैं। जी जी, नीतीश जी और मोदी जो बता रहे हैं दोनों एक ही सिक्का के दो पालू हैं। अच्छा, कभी इधर कभी इधर उधर बखला रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप वोट दीजिएगा इस बार? इस बार काहे को वोट देंगे, इनको वोट दीजिएगा। तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी सत्यांश कुशवाहा जी को दे रहे हैं। कुशवाहा जी को? जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? आप किसी को नहीं जानते, आप मैंने किसी का काम देखा कुशवाहा जी को। अच्छा, कुशवाहा जी को क्यों वोट कीजिएगा? कुशवाहा जी मेरे पड़ोसी है, अगल बगल के बाजू का, जब भी मैंने उनसे बात किया हमेशा घर पे आते रहते हैं। अच्छा, और गांव में कई प्रकार की सेवा दिए हैं। अच्छा, आप जाकर देख सकते हैं, नदी में, छठ पूजा में, जो भी महोत्सव हो कहीं भी आप याद कर लीजिए, हमेशा एक्टिव रहते हैं। आप करते क्या? हम भी टेक कर रहे हैं रामधारी सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज बेगूसराय से। अच्छा, टेक्निकल ब्रांच है। अच्छा, अभी आप घर आए हुए? जी घर आए हुए, लॉकडाउन है, फंसे हुए हैं घर में। अच्छा, सेमेस्टर चल रहा है, पढ़ाई छूट रही है, ये क्या कर रहे हैं मोदी पता नहीं चल रहा है। अच्छा, मतलब आप विरोध में? जी विरोध, बिल्कुल विरोध में, खुल के विरोध में, कपड़े भी खोल लिए, हम बोले कि तो यही खोल देंगे। तो आप क्या कह रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है, भाई साहब कह रहे हैं काम ही नहीं हो रहा है? हाँ, तो अपना अपना सोच है। अच्छा, सब आदमी एक ही सोच रहेगा तो फिर विकास कैसे हो? अच्छा, तो जो वर्तमान विधायक हैं वो आपके क्षेत्र में काम किए हैं कि नहीं किए? उन तक कभी दर्शन तक करने के लिए भी नहीं आए हैं। एक बार जीत के जो जीत के गए हैं, उसके बाद एक बार जो मैंने देखा कि चौड़ीकरण जो हो रहे थे उसका जो उद्घाटन किए 11 बजे रात में आए, बताया उनके पास मेरा फोटो है, 11 बजे रात में क्या करने के लिए आए? न वहाँ पर कोई ग्रामीण है, न कोई समिति के सदस्य है, कुछ भी है, अपने आके अकेले में कुछ कुछ करके चले जाते। अच्छा, आपके क्षेत्र में रोड सड़क पानी आपका क्या है? जाके देख लीजिए सर क्या हाल है, दूर जाते हैं क्यों ना, तो गई संगीत जाते संगीत फंस गया, बस माता मिश्रा के लिए जा रहे थे, आटा लेकर लौट गए, गड्ढा बना हुआ रोड का। तो आप लोग मांग नहीं करते हैं विधायक महोदय से जोड़ने के लिए? कितना बार मांग के मैंने मैसेज किया, सुनते कहा है, ईमेल भी किया है। अच्छा, मतलब आप मिले हैं उनसे? हाँ, दो बार मिले। अच्छा अच्छा, आश्वासन के बल दिए हैं जी, बोले कि सब काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, बना के रखो। अच्छा, तसल्ली में जी रहे। तो आप तो चुनाव आ गया है? चुनाव आ गए तो इस बार जाएंगे। अब चुनाव हो रहा है तो काम तो कितने होगा? लाल झंडी दिख रही है, झंडा लेकर जाएंगे लाल वाली। चलिए, आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं, ये जनता युवा हैं और ये अभी छात्र भी हैं, और इन्होंने कहा कि अभी कोई काम नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? रामकरण महतो। रामकरण महतो जी, क्या आप किसको वोट दीजिएगा? हम लोग तो सत्यनारायण कुशवाहा जी को देंगे वोट। सत्यनारायण सिंह कुशवाहा जी? जी। क्यों, उनको क्यों दीजिएगा? हमको अच्छा लगता है। अच्छा, और ये आलोक कुमार मेहता, ये सब तो डिलीट हो गए। डिलीट हो गए मतलब जनता के मन से डिलीट हो गए, मतलब 5 साल आते हैं जीत के चले जाते हैं, 5 साल के बाद एक बार घूम के नहीं आते हैं देखने के लिए। मतलब वो काम किए हैं क्षेत्र में कि नहीं किए? नहीं किए हैं, कोई भी काम नहीं किए हैं। तो एसी से आते हैं और एसी से चल जाते हैं। तो भेंट होते हैं? नहीं, हम लोग से भेंट नहीं होते। अच्छा, तो इस बार कुशवाहा जी को वोट दीजिए? जी, मतलब सत्यनारायण सिंह कुशवाहा जी। श्योरली, वो तो कोई पार्टी से नहीं, निर्दलीय से हैं? निर्दलीय को ही देंगे हम लोग, कोई पार्टी वाला को वोट नहीं। आपको लगता है निर्दलीय से जब जीतेंगे तो क्षेत्र में काम करेंगे? जरूर करेंगे, विश्वास है। अच्छा, तो अभी जो आपके क्षेत्र में कुछ काम नहीं है? नहीं, वो तो पार्टी वाला तो कोई काम किए नहीं है। अच्छा, अभी जो भी काम कर रहे हैं ये अपना फोन से कर रहे हैं, जो भी अपना कमाते हैं पैसा से कर रहे हैं। अच्छा, चलिए कुछ और व्यक्ति हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र सिंह।
क्या नाम हुआ? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह जी, अब चुनाव नजदीक आ गया है और आपके दरवाजे पे बहुत सारे नेता आएंगे वोट मांगने के लिए। बीजेपी वाले आएंगे, राजद वाले आएंगे, कुछ निर्दलीय भी आएंगे, बहुत सारे नेता आपके दरवाजे पर आएंगे वोट मांगने के लिए, तो उनको क्या आप कहिएगा? इन लोग को नहीं देंगे। इनको नहीं देंगे जो आएंगे? आप वोट किन्हीं को नहीं दीजिए? नहीं देंगे। किनको दीजिएगा? देंगे हम अपना कुशवाहा का देंगे। कुशवाहा को? कौन? रविंदर कुशवाहा? नहीं, ये अभी कुछ बाहर सत्यनारायण जी को देंगे। सत्यनारायण जी को दीजिएगा। अच्छा, सत्यनारायण जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कैसे जानते हैं? आते हैं बराबर गांव में। अच्छा, बराबर आते हैं। और आपके विधायक जो है यहाँ के आलोक कुमार मेहता जी, वो दर्शन भी नहीं देने के लिए आते हैं, जीत कर जाते हैं दर्शन भी नहीं देते हैं। अच्छा जी, आपसे मिले एक बार? किन्हें नहीं मिले हैं, जीतने के बाद नहीं मिले। मिले ही नहीं? नहीं। आपके क्षेत्र में काम हुआ है? काम कुछ नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, चलिए, आप ये देख रहे हैं कि जनता किस तरीके से यहाँ के जो विधायक, स्थानीय विधायक, उन पे ये आरोप लगाए हैं कि वो कोई काम नहीं किए। आइए, और कुछ छात्र भी हैं, युवा भी हैं, उनसे भी बात। जो हमारे घर का करीब जो है डांड़ भर पानी लगा हुआ। कह रहे थे आप? रोड पर डांड़ भर पानी लगा हुआ, एक बार भी देखने के लिए नहीं आते हैं। अच्छा जी, कहाँ डांड़ भर पानी लगा? बाईपुर ब्रह्मा स्थान। अच्छा, बहुत पानी लगा हुआ, डांड़ भर पानी, रास्ता खराब है? रास्ता खराब। तो उनको आप जानकारी दिए? हाँ जानकारी दिए, हम लोग वहाँ पर गए। हाँ। बोले ठीक है आ रहे हैं, रोड को जैसा बनवा देंगे, मगर अभी तक नहीं बनवाए। अच्छा। हाँ। तो अब तो चुनाव आ रहा है, वोट मांगने के लिए आएंगे आपके यहाँ? वोट मांगने के लिए आएंगे तो हम लोग देंगे नहीं। वोट नहीं दीजिएगा? हाँ। जब आपके आएंगे तो उनको रास्ता के बारे में कहिएगा? हाँ कहेंगे नहीं? अच्छा। हाँ कहेंगे, उनको दिखाएंगे। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है, और कुछ लोग से हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शमशाद आलम। शमशाद आलम जी, जी। तो इस बार भी आप देख रहे हैं कि चुनाव तो नज़दीक आ गया। जी जी। तो चुनाव नज़दीक आ गया है और अब बहुत सारे नेताओं का जो मतलब आवागमन जो है जी, वो पूरी तरह से शुरू हो गया, इसलिए कि अब चुनाव का समय आ गया है। किनको आप वोट दीजिएगा? हम लोग तो यहाँ उजियारपुर विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी है सत्यनारायण सिंह कुशवाहा जी। अच्छा, उन्हीं को वोट करेंगे। सत्यनारायण सिंह कुशवाहा जी? सत्यनारायण सिंह कुशवाहा। क्या लग रहा है आप, सत्यनारायण सिंह कुशवाहा तो निर्दलीय से होंगे फिर? हाँ बिल्कुल निर्दलीय से होंगे। तो आप ये नीतीश कुमार और ये जदयू राजद बीजेपी ये सब नहीं ठीक है? नहीं, बीजेपी वाले तो देश को बर्बाद कर दिए थे, देख ही रहे हैं हालात क्या बना हुआ है देश में, जैसे पूरे तो पूरे देश हमारा बर्बाद हो चुका है। कैसे देश बर्बाद हो गया? बिल्कुल, हर जगह गरीब गुरबा की बेटी की हरजन है, अनुसूचित जाति है, माइनॉरिटी के लोग हैं, मॉब लिंचिंग, उनकी लड़की की हत्याएं, गैंग रेप। और कोरोना काल में बहुत घर घर में जाकर के उन्होंने सैनिटाइज कराने का काम किया, फॉगिंग से धुआं देकर के मच्छर भगाने का काम किया, गरीब गुरबा के बीच में हमेशा सेवा करते आ रहे हैं। वोट उन्हीं को मिलना चाहिए, चूँकि उजियारपुर विधानसभा हमारा बंधक पड़ा हुआ है। नित्यानंद राय जी है, चुनाव जीत के गए, आज तक घूम के देखने भी नहीं आए। आलोक कुमार मेहता जी है, उनका भी वही हाल है। ये लोग जो है सो बाहर के हैं, बाहरी बाहरी अपना रहते हैं, उजियारपुर की जनता से मतलब नहीं रहता। इसलिए हम लोग इस बार उजियारपुर के सत्यनारायण सिंह कुशवाहा ही को वोट देंगे और जहां तक जो हो सकेगा दिलवाने का काम भी करेंगे। अच्छा अच्छा, आप वोट दिलवाने का भी काम जी जी बिल्कुल करेंगे। आपने सत्यनारायण सिंह कुशवाहा को क्या गुण देखेंगे? सत्यनारायण सिंह कुशवाहा जो है सो समाज सेवी है, ईमानदार है, कर्मठ है, अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरे विधानसभा में सड़क मरम्मती का काम, नाली में जहाँ गंदगी है साफ सफाई कराने का काम, विधानसभा में सैनिटाइज करवाने का काम, गरीब बच्चों में कापी कलम वितरण करने का काम ये कर रहे हैं। जो काम सांसद और विधायक को करना था वो काम ये कर रहे हैं, तो विधायक इनको होना चाहिए, ये कर रहे हैं तो वोट इनको मिलेगा और लोग देंगे और यहाँ के विधायक बनेंगे, उजियारपुर का इतिहास टूटेगा। इस बार जो बंधक मुक्त होगा उजियारपुर, सत्यनारायण सिंह कुशवाहा ही यहाँ के विधायक बने। यहाँ पे अभी वर्तमान में आलोक कुमार मेहता जी और वो काफी लोकप्रिय नेता भी हैं। नहीं ऐसा आपको लगता है, लोकप्रिय नहीं है, लोकप्रिय हम लोग मानेंगे तब ना, वोट देकर हम लोग उनको जिताए, तो लोकप्रिय हम लोग मानेंगे तब होंगे। आपके आप कह रहे हैं तो आपके बात से नहीं होगा, लोकप्रिय जनता कहेंगे तब होंगे, कोई लोकप्रिय यार नहीं, दो चार लोग के लिए लोकप्रिय होंगे, वो दो चार लोग के आगे पीछे करने वाले लोग के पास आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो उनके लिए हो सकते हैं लेकिन जनता के लिए नहीं। आप करते क्या? हम कुछ नहीं करते हैं, बस खेती पथारी करते हैं, एक प्राइवेट जॉब भी करते हैं, बस यही मेरा काम है। प्राइवेट जॉब करते हैं? जी जी। अभी तक में तो ऐसा हमको नहीं लग रहा है, जब कोई लोग बहुत पहले थे तो पहले तो हम लोग पॉलिटिक्स से कोई मतलब रहता नहीं था, समझ बुझ भी नहीं पाते थे, वोट सिर्फ गिरा देते थे और नेता क्या होते हैं जानकारी भी हम लोग को नहीं रहता था। जब होश आया, हम लोग को समझ बुझ आया नेता क्या चीज होता है,
उस वक्त ये लोग ठग ही के चले गए, हमारा उजारपुर बंधके पर गया। अच्छा, अब हम लोग चाहते हैं बंधक उजारपुर छुड़ावे, बंधक उजारपुर छूटेगा तो विकास हो, यहाँ पे कुछ कार्य है, विकास का काम नहीं हुआ। नहीं, कोई काम नहीं हुआ विकास का, हम लोग कहीं काम नहीं देख रहे हैं, बहुत परेशानी है यहाँ, कोई विकास का काम नहीं, भ्रष्टाचारी है, बहुत ज़्यादा घुसखोरी है, हर जगह है, बहुत समस्याएं हैं क्षेत्र में। सर घूम के देखिएगा ना, ऐसे ऐसे लोग अभी भी हैं जिनका खाने खाने के लिए तरस रहे हैं, दिन में खाते हैं तो रात में क्या खाएंगे, वो भी समस्या है लोगों के साथ में, क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं। लेकिन लोगों को क्या मतलब, एसी में आते हैं एसी में जाते हैं बस। चलिए, तो ये आपने देखा कि स्थानीय लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ है, और ये न बीजेपी को वोट देंगे, न जदयू को देंगे, न राजद को देंगे। ये यहाँ उजियारपुर से निर्दलीय जो प्रत्याशी है सत्यनारायण सिंह कुशवाहा, ये उनको वोट देंगे। आइए, और कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। चलिए, किनको वोट देंगे इस बार? वोट देने का तो यहाँ मैं सत्यनारायण सिंह कुशवाहा समाज सेवी को देंगे। अच्छा, सत्यनारायण सिंह कुशवाहा जो है बहुत ही अच्छे हैं और समाज सेवी हैं, और बहुतों काम किए हैं, हर क्षेत्र में काम किए हैं, बिना कुछ रहते हुए रोड रास्ता पानी बिजली बहुत आदमी को रोड पर लगाए हैं, पानी बिजली का चादर किए हैं, रोड को जो मरम्मत किए हैं, जो पानी में फंसा हुआ था सब्जी साग सब उसमें डूब रहा था उसको मतलब पानी को नाला कटवा कर निकलवाए हैं, अरे बहुत ऐसा काम किए हैं, ये बहुत समाज सेवी हैं। आज तक इनके जैसा नेता हम नहीं देखे हैं, नेता नहीं, ये समाज सेवी है। लेकिन जो यहाँ आए हैं वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, न कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका काम बहुत अला दर्जा का है। ऐसा मतलब विधायक हो जो क्षेत्र का संभाल देंगे, इस क्षेत्र का नाम ऊंचा हो जाएगा, लेकिन ऐसा है यहाँ का विधायक लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, स्थानीय विधायक और वर्तमान सरकार के बारे में बताइए क्या काम? अब वर्तमान सरकार तो कुछ नहीं कर रहा, स्थानीय विधायक वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ कह के निकल जाते हैं हाथ जोड़ करके कि लालू जी को हमको सेवा करने से फुर्सत नहीं है। श्री लालू प्रसाद जी उनको ये नहीं कहते हैं कि तू विकास का काम नहीं कर, वो कुछ करते ही नहीं है, और उनके नाम पर निकल कर वोट लेकर निकल जाते हैं, 5 साल में उनको नाम लिखने का याद आता है, शिलान्यास करते हैं, लेकिन अभी तक वो कोई विकास का काम यहाँ इस क्षेत्र में नहीं किए, इसलिए पूरी जनता उन पर नाराज है, और उनको ऐसा है कि सही सलामत इज्जत से बैठ जाना चाहिए उधर, क्षेत्र में आने से उनको भारी बेइज्जती हो ऐसा लगता है। अब पूरा क्षेत्र में हम घूम कर देख रहे हैं, सब जगह सत्यनारायण सिंह कुशवाहा का ही नाम आ रहा है, इस समाज से भी है, समाज को सेवा करते हैं, अब एक फौजी वशिष्ठ राय जो कि मैं इनके साथ हूँ, इनका अच्छा काम व्यवहार देख करके इनके साथ में सहयोग कर रहा हूँ, और यहाँ का जनता भी सहयोग इनको कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि दूसरा आदमी कोई पार्टी का ही बात नहीं, कि कुछ जो इनका मेहता जी है ये आना जाना सभी आदमी से पूछ लिए, न देख लिए, न वो आते हैं तो कोई काम करते। अच्छा, इसलिए उनको श्री लालू प्रसाद जी ये नहीं बोले कि विकास का काम नहीं करना है आप, हमारे नाम पर मतलब कि वोट लेकर के जीत जाना, इस बार उनको एकदम जीरो पर आउट होंगे, इससे अच्छा है कि उनको चुपचाप रखकर बैठ जाना चाहिए। अच्छा, अगर नहीं आएंगे तो यहाँ से मतलब कि लाल झंडा लेकर कि क्या झंडा काला लेकर जाएंगे, कोई झड़का नहीं। अच्छा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि उनको वहाँ चुपचाप रह जाना चाहिए, जिसको देना है जो है, लेकिन यहाँ से जीत डिग्री होगी किसकी? सत्यनारायण सिंह कुशवाहा जो समाज से भी है, पूरे क्षेत्र में काम किए और ये वोट के चक्कर में नहीं, पहले से ही समाज सेवी का काम कर रहा है, पूरा विधानसभा के लोकसभा में भी काम किए, ऐसी बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि लोकसभा तक इनका काम जारी रहा है, सब चीज कॉपी किताब पढ़ाने लिखाने का काम, कम्बल साड़ी बांटे, माने जो जरूरत का सामान है, रोड रास्ता हर जगह इन्हीं को बनाया हुआ है, जहाँ जाइए वहाँ मतलब कि कादो कीचड़ है उसको ठीक किए, तो रोड रास्ता पे विधायक सांसद लोग का बनाया हुआ बनाया हुआ है, रिपेयर नहीं करेंगे, बना तो दिया, जैसे वो अपना नाम लिख दिए, वोट शिलान्यास कर दिए, 5 साल में जब उनको नाम अपना याद नहीं आया तो अभी आए हैं मतलब वोट के समय में, इसलिए पूरे यहाँ का जनता जो है उन पर नाराज है। अच्छा, वो अभी इस बार खाली हाथ जाएंगे। जैसा आप करते क्या है? मैं आर्मी एक से जेसी सुबेदार हूँ, मैं इस समाज से भी सत्यनारायण सिंह कुशवाहा के साथ रह रहा हूँ, अच्छा बात विचार देख करके मैं देश सेवा करके 26 साल आया हूँ, इन्हीं की तरह मैं इनके साथ रह रहा हूँ, ये समाज से भी है, समाज का सेवा कर रहे हैं, इनको कोई लोभ नहीं है न मेरे को कोई लोभ है। आप रिटायर कहाँ से हुए? मैं रिटायर हुआ था रांची से हुआ था, रांची से मैं रिटायर हुआ था, 6 से 23 बटालियन से मैं रिटायर हुआ था, मैं जेसी